हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर में जो लगती हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क, इसको मैं खोलने वाला हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो तोशिबा की हार्ड डिस्क है, तो इसके अंदर सारे पार्ट को आपको बताऊंगा कि कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर पूरी हार्ड डिस्क मैं खोल दूंगा और हार्ड डिस्क के अंदर देखने वाला हूँ कौन कौन से पार्ट निकलते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेमो आपको शुरू में बताया हूँ और इसको पूरा आपने खोलेंगे और सारे पार्ट के नाम आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये इंटरनल हार्ड डिस्क है जो कि तोशिबा की हार्ड डिस्क है। ये 500 GB हार्ड डिस्क है। यहाँ पर 6 पिन का कनेक्टर लगता है और यहाँ पर 24 पिन का कनेक्टर लगता है जिसको साटा और पाटा कनेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऊपर देखने को मिलेगा यहाँ पर प्लास्टिक की बॉडी कवर जो कि हार्ड डिस्क को कवर करने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इसकी बॉडी निकाल लिया हूँ यहाँ से। तो ये रबड़ की कुछ बनी हुई है और उसके नीचे यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का सर्किट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सर्किट के पीछे 3 स्क्रू लगे हुए, स्क्रू मैं फटाफट खोल लूँगा। तो ये स्क्रू के ऊपर यहाँ पर आपको बहुत सारे कैपेसिटर, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, डायोड और चिप लगी हुई है बहुत सारी। और पीछे की बैक साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको 5-6 स्क्रू देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये जो इसकी बैक साइड की जो कवर है, तो ये मुझे लगता है ये एल्यूमिनियम का कवर बना हुआ है। और साइड में यहाँ पर ये लगता है मुझे कि टेप पट्टी लगी हुई है। तो ये पीछे की सर्किट बनी हुई है जो कि कंप्यूटराइज प्रिंटेड इसमें सर्किट बनी हुई है और इसके ऊपर 3 चिप लगी हुई है। आप देख सकते हो एक मेमोरी चिप है और इसके अंदर दूसरी भी चिप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्पंज का कुछ कवर निकला हुआ है जो कि इसको सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगाया हुआ था। यहाँ पर लगता है मुझे स्पंज का बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ टेप पट्टी लगी हुई है जो कि मजबूत वाली सिल्वर कलर की लगी हुई है। तो इसको भी मैं फटाफट निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको भी निकाल लिया हूँ मैंने। अब यहाँ पर आपको ये स्क्रू ड्राइवर, इसके ऊपर स्क्रू की बात करूँ तो ये 6-स्टार वाले स्क्रू यहाँ पर लगे हुए, सारे हार्ड डिस्क के ऊपर 6-स्टार वाले स्क्रू यहाँ पर लगे हुए। तो यहाँ पर मैंने ऊपर का टॉप कवर निकाल लिया हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ एल्यूमिनियम का बना हुआ है लगता है, मेरे को लग रहा है ऐसे ही लग रहा है एल्यूमिनियम का बना हुआ था। तो अभी इसके अंदर बात करें तो यहाँ पर भी 6-स्टार वाले स्क्रू बहुत सारे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसको ये फटाफट खोल लूँगा सारे स्क्रू। स्क्रू खोलोगे तभी ये पार्ट पूरे अलग हो गए। तो यहाँ पर आपको ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ये सस्पेंशन है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। और यहाँ पर आपको ये यहाँ पर VCM जो कि इसका शॉर्ट नेम है और इसका फुल नेम इसका वॉइस कॉइल मोटर यहाँ पर लगी हुई है। इसके नीचे मॉन्स्टर मैग्नेट लगा हुआ रहता है जो कि बहुत ही पावरफुल यहाँ पर मैग्नेट ये वाला रहता है। हार्ड डिस्क के अंदर से मॉन्स्टर मैग्नेट भी निकलता है जो कि इसको VCM कोईल मोटर बोलते हैं इसको, ऐसे वॉइस कोईल मोटर बोलते हैं। इसके अंदर से आवाज़ आती है, ऐसे टक टक की आवाज़ आती है धीरे धीरे हार्ड डिस्क जब चालू होती तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके ऊपर भी यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर आप हार्ड डिस्क खोलते हो तो आपको 2 स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये वाली आपको मोटर खोलना है, स्पेडल मोटर इसको बोलते हैं। तो 2 स्क्रू ड्राइवर से ये वाला स्क्रू खुलेगा, बाकी आप सिंगल स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे तो नहीं खुलेगी ये। तो इसको स्पेडल मोटर बोलते हैं। इसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है और इसके नीचे ये जो डिस्क है इसको प्लेट भी स्टील की बनी हुई रहती है वाली जो कि डेटा ट्रांसफ़र करती है। तो इसके नीचे जो है उसको स्पेडल मोटर बोलते हैं, उसके अंदर बहुत पावरफुल मोटर लगी हुई रहती है। तो ये डिस्क इसको बोलते हैं जो कि इसके अंदर डेटा सेव होते हैं इस प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसका हेड है। तो हेड के अंदर भी एक आपको स्क्रू दिखेगा लेकिन ये वाला स्क्रू माइनस वाला है। यहाँ पर तो इस मोटर के ऊपर तो आपको 6-स्टार वाले स्क्रू देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 3 स्क्रू देखने को मिलेंगे। 3 स्क्रू खोलोगे तब जाके ये वाली मोटर आपकी निकल जाएगी बाहर। तो इसको यहाँ पर देख सकते हो डेटा ट्रैक ये निकल गई है, मोटर है इसके अंदर मोटर लगी हुई है जो कि ये मोटर जल्दी खुलती नहीं है, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये मोटर खुलती है। अंदर वाइंडिंग करा हुआ रहता है इस मोटर के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका पूरा हेड है और सस्पेंशन भी यहाँ पर है। इसके अंदर सेंसर भी लगा हुआ रहता है इसके अंदर, और इसी के अंदर से गोल्ड भी निकलता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसमें से गोल्ड निकलता है लेकिन गोल्ड निकलता है। और यहाँ पर ये लास्ट में आप देख सकते हो ये मॉन्स्टर मैग्नेट है, बहुत ही पावरफुल मैग्नेट रहता है। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो कि मॉन्स्टर मैग्नेट क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हार्ड डिस्क में से ये इतना ही सब चीज़ निकलता है। और लास्ट में आपको जो ब्लैक कलर का नीचे दिख रहे हो तो इसका
ये भी वो एल्यूमिनियम का बोर्ड ही यहाँ पर है। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आए, तो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल ये वन स्टार मैग्नेट है। कोई भी चीज़ अगर चिपक जाती है इसके ऊपर तो जल्दी ये निकल छूटता नहीं है।